यहाँ पे एटलीस्ट योर मैनेजर कैन नॉट इवन कॉल यू आफ्टर योर वर्किंग आवर्स. कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है हमारी लाइफ जो है वो एक्सीलेंट है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, सब एकदम परफेक्ट, ऐसा है क्या? एक चीज मुझे हमेशा से लगती थी, जब कोई इंडियंस बाहर रहता है, अब्रॉड में रहता है, तो उनको कैसा फील होता है? क्या उन्हें अच्छा लगता है वहाँ पर बाहर रहकर, जैसे हम लोग रहते हैं जर्मनी में? एंड वेलकम बैक टू चैनल इंडियन गर्ल इन यूरोप. आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि बीइंग इंडियंस इन जर्मनी कैसा लगता है. ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, ये मेरे फ्रेंड्स का पॉइंट ऑफ व्यू होगा. आज हम लोग कर रहे हैं एक बारबेक्यू ग्रिल पार्टी लाइक अ ट्रू इंडियंस. वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं जो ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स से हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं. आज उनका इंटरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है जर्मनी के बारे में, या बीइंग इंडियन जर्मनी के उनके कौन कौन से स्ट्रगल हैं, व्हाट दे मिस अबाउट इंडिया, व्हाट दे लाइक अबाउट जर्मनी, और क्या जर्मनी सच में रहने लायक है या नहीं है. तो आज ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो लोगों के लाइक फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं हम. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, इंटरेस्टिंग वन, और लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस वीडियो में. तो अब हम नीरज से पूछते हैं. नीरज, आप बताओ कितना टाइम हुआ है पहले आपको ये बताइए. हमारे को 3 साल हो गए ऑलमोस्ट. अक्टूबर 2020 में आए थे हम ड्यूरिंग लॉकडाउन जर्मनी में. एज सच सबसे जो मेरे को चीजें अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से मैं आया भी था, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस. काम मैं स्टार्ट करता हूँ 8 बजे, 4:30 to 5 काम बंद. उसके बाद यू हैव योर फैमिली टाइम, यू कैन डू स्टफ्स ऑन योर ओन, जो अपने पैशन है या फिर हॉबीज हैं, आप यू कैन परसू देयर. तो अब हम सत्यम से पूछते हैं. सत्यम, कितना टाइम हुआ पहले ये बताओ यहाँ पर आए हुए? हो गया 5 महीने. तो ये 5 महीने का क्या इनटेक है, कैसा लगा तुम्हें जर्मनी? एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताऊंगा कि मुझे जर्मनी आए हुए 5 महीने, लेकिन 5 महीने मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मच बेटर एज कम्पेयर टू इंडिया. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ पे, कोई भी गधा मजदूरी नहीं करता है. 9 to 5 अगर उसकी जॉब टाइमिंग है, 9 to 5 नौकरी करेगा, फिर जाओ अपना काम करो. अब हम चेतना से पूछते हैं. चेतना जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो ऑफ कोर्स ये भी स्पाउस वीज़ा पे यहाँ पर आई थी जैसे मैं आई हूँ. तो इससे थोड़ा पूछते हैं ऑफ कोर्स जर्मनी के बारे में. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 2-3 साल उन्हें लगे, डॉक्टर फ्रेंड्स, एंड देन नाउ दे आर डूइंग देयर जॉब. हाँ, अब वो स्टेबल कंडीशन में है. तो यू ऑल्सो सी लाइक कि हाँ आफ्टर 6 मंथ्स थिंग्स विल बी बेटर, और मैं यहाँ पर सेम लाइफ जो मैं इंडिया में थी, मेरी लाइफ वही यहाँ पर कंटिन्यू कर पाऊँगी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट. मुझे ये लगता है कि अगर मेरे पास जर्मन लैंग्वेज आ जाएगी और मेरे रिकॉग्निशन हो जाएगी यहाँ पे, तो आई थिंक इंडिया से ज़्यादा बेटर लाइफ मेरी यहाँ पे हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल. जो जॉब सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग है वो यहाँ पे ज़्यादा बेटर है. और अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ तो मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा है. आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, ज़्यादा काम भी नहीं करना, बहुत रिलैक्स एटमॉस्फेयर है. सिर्फ आपके पास डिग्री रिकॉग्निशन के लिए जर्मन लैंग्वेज होना ज़रूरी है. Okay. तो बस यही है. आई थिंक राइटली सेड, कुछ प्रोफेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जर्मन लैंग्वेज, और थोड़े वक्त तक आपको थोड़ा सा स्ट्रगल लगता है. यहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल होगा बीइंग अ न्यू कमर, जहाँ पे लैंग्वेज आपको बहुत सीखनी इंपॉर्टेंट है. ये आप एज एन ऑप्शन नहीं रख सकते कि मुझे सीखनी है नहीं सीखनी, ये कंपलसरी है, सीखना ही है. तो इंटीग्रेट होना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा. चलो अब हम इनसे पूछते हैं. इसका नाम ममता है. ममता, तुम अपने कितना टाइम हुआ है यहाँ आए हुए? हम लोग लास्ट सेप्टेम्बर यहाँ पे शिफ्ट हुए थे. स्टार्टिंग थोड़ा विंटर था और वो बहुत ही गंदा और डिप्रेसिंग था. बट नाउ इन समर वी फील लाइक वाओ, मतलब यहाँ की समर्स बहुत अच्छी होती है जर्मनी की. वेदर मैं जिस टाइम पे आया था उसमें थोड़ा बहुत विंटर क्रॉस कर रहा था, समर आ रहा था, तो माहौल अच्छा था उस टाइम पे. लेकिन हाँ, विंटर मैंने सुना बहुत ही डिप्रेसिंग होता है. यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट. समर में फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, और विंटर्स भी, हाँ स्नो ऑल्सो, मुझे स्नो भी पसंद है, पर हाँ थोड़े डिप्रेसिंग हो जाते हैं विंटर्स. ये है अगर बहुत, क्योंकि एक महीना अच्छा लगता है पर फिर फेब तक ऐसा लगता है धूप कब आएगी, क्योंकि एक पॉइंट पे धूप नहीं आती. वैसे मेरे को विंटर पसंद है, तो विंटर उसके बाद आना स्टार्ट, ऑटम चल रहा था तभी विंटर आना स्टार्ट हुआ. सारे वेदर हमारे अकॉर्डिंग थे. और समर में मेरे को वैसे ठीक लगता है, डे टाइम काफ़ी ज़्यादा है, यू कैन गो आउट, बहुत ज़्यादा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट स्टिल मेरे को समर इतना पसंद नहीं है. तो विंटर टाइम वैसे भी ज़्यादा, समर इज़ लाइक
टू मंथ्स ओनली, हार्डली टू मंथ्स, तो विंटर में मेरे को बहुत मजा आता है। चलो तो हम गीत से पूछते हैं। पहले तो मैं गीत के बारे में बता देती हूँ, ये ट्रैवल कंटेंट बनाती है इंस्टाग्राम पे, तो उसका भी मैं लिंक छोड़ देती हूँ। दूसरी बात, अब बताओ गीत तुम कि बीइंग इंडियन इन जर्मनी में तुम्हें कैसा फील होता है, व्हाट यू मिस अबाउट इंडिया, व्हाट यू लाइक अबाउट जर्मनी। आई थिंक मेरा और कल्पेश का, हम दोनों का सबसे पहला रीजन था या मूव होने का वाज ट्रैवल। शेंगेन वीजा पे आप पूरे हर जगह घूम सकते हो, बॉर्डरलेस कंट्री है, नो चेकिंग, हम कहीं पे भी जा सकते हैं और 2 या 3 घंटे में आप स्विस जा सकते हो, विच इज द लाइक ड्रीम डेस्टिनेशन इंडियंस के लिए। तो आई थिंक वो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है जर्मनी रहने का। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तुम ट्रैवल कर सकते हो और कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, तुम्हारे को बहुत कम प्लान करना है क्योंकि सब कुछ बहुत पास में है और आप जाने के लिए आपको वीज़ा का नहीं सोचना है, और यूरोप में आप कहीं भी चले जाओ सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर तुम्हारे को लगता है कि भाई इस जगह पे जाना है तो आप तुरंत प्लान बनाओ और चले जाओ। अक्टूबर 2020 में आए थे हम ड्यूरिंग लॉकडाउन, यहाँ भी सब कुछ बंद था जैसे इंडिया में बंद था, बट घूमते थे, रोड ट्रिप्स करते थे, काफ़ी अच्छा लगता था, सुंदर है सब कुछ, बहुत प्यारा, नीट एंड क्लीन, क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, हवाएं बहुत साफ़ है, तो मज़ा बहुत आता था, खूब मज़ा आता था। फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना और ये सब, ये जो ये वाला जो कल्चर है ग्रिल का कल्चर, ये सब इंडिया में नहीं होता, तो हम लोग इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और लाइक यहाँ पे जो रिवर के साइड ये सब पार्टीज़ वगैरह होती है और नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने में आती है, वो बहुत अच्छा है। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन और जो भी लाइक हॉस्पिटल की सर्विसेज है वो बहुत अच्छी है। जैसे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो जर्मनी में हैं, जितने लोगों को एटलीस्ट मैं जानती हूँ, तो नीरज भी वन ऑफ देम। तो वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कि तुमने बताया, तो वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में क्या बिल्कुल भी नहीं था, एंड यू फील लाइक हियर इट इज ऑसम, बहुत जमीन आसमान, इट्स जस्ट ब्लैक एंड वाइट। इंडिया में क्या था कि आई यूज टू वर्क टिल 7 to 8 इन ऑफिस, कम बैक होम, अगेन काम स्टार्ट करो जो 11-12 कम, यूजुअली 11-12 और समटाइम्स 2 बजे 3 बजे तक भी चलता था। वीकेंड्स पे ऑल्सो मैनेजर यूज टू आस्क कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम, तो एटलीस्ट लैपटॉप लेके जाना। तो आई थिंक यहाँ पे एटलीस्ट योर मैनेजर कैन नॉट इवन कॉल यू आफ्टर योर वर्किंग आवर्स, सो वो चीज़ बहुत अच्छी है। आई थिंक मैं भी इसी में बिलीव करता हूँ, क्वालिटी ऑफ वर्क वर्सेस क्वांटिटी ऑफ वर्क, सो आई थिंक क्वांटिटी ऑफ वर्क में क्वालिटी कभी नहीं आ सकती। मेरे को अब वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि आप अपने डिफाइंड टाइम में काम करो, अच्छे से काम करो, देन इट्स डन, देन इट्स योर लाइफ। बट मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ओवरऑल जर्मनी के ये रहा है कि येस इट्स अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आपको चाहिए पैसा डिसाइड कर दो आपकी नहीं चाहिए, अगर पैसा ठीक है आप कमाते क्यों इंडिया में, क्योंकि आपको इसलिए कमाना है क्योंकि आप वो क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, एयर क्वालिटी अच्छी है, ट्रैफिक रेगुलेशंस हैं, ज़्यादा चिक चिक नहीं है ज़िंदगी को लेके। तो सबने बता दिया क्या अच्छा है क्या नहीं। How is your struggle? क्योंकि अभी भी you are struggling a lot, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो how is your experience, थोड़ा उसके बारे में बताओ। और just हाँ या ना में एक चीज़ बताना, is it difficult to find a job in Germany as a physiotherapist या as a doctor if you don't know the Germans? Yes, it's difficult to find job in Germany if you don't know German language here. So basically अगर यहाँ पर तुम्हारे को job करना है in medical field or in any field which require more of German, then you need to have German language first. So आप better ये रहेगा कि अगर आप इंडिया से plan कर रहे हो आने का, तो आप पढ़ करके आओ। एक बात मैं बता देती हूँ, बिकॉज ही इज़ ऑन दैट फेस जहाँ पर जब आप यहाँ आते हो तो यू सर्च अ जॉब, राइट, जैसा मैंने भी किया था। तो बस हाँ या ना में बताना, इज़ इट डिफ़िकल्ट? लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर 2 मिलियंस जॉब है, 3 मिलियंस जॉब है, ऐसे नंबर्स बताते हैं। इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ जॉब इन जर्मनी विदाउट अ जर्मन लैंग्वेज? यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट। इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी ईजी। तो इसका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कमेंट करना, तो कभी हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, बट हाँ, इट इज़ नॉट दैट ईजी। कभी कभी बहुत सारे इंडियंस बोलते हैं या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर ऐसा मतलब वीडियोज़ में बताते हैं कि यहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा वाओ है, मतलब
इट्स लाइक कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है हमारी लाइफ जो है वो एक्सीलेंट है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, सब एकदम परफेक्ट, ऐसा है क्या? नहीं, ये मिथ है और ये तुम्हें भी पता होगा। आई थिंक सबसे पहला चैलेंज आता है जर्मन लैंग्वेज करना, वो करनी ही पड़ती है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सेकंड चैलेंज आता है वी हैव नो मेट्स। थर्ड चैलेंज आता है वो फार अवे फ्रॉम पेरेंट्स, एंड देर आर डेज व्हेन यू मिस योर पेरेंट्स, लाइक एटलीस्ट आई मिस माय पेरेंट्स। और जब आप इंडिया में रहते हो तो वो एक, यहाँ से भी आप साल में एक बार जाते हो, इंडिया में भी शायद साल में, पर एक फीलिंग होती है, आई फील दैट यू कैन रीच, लाइक आप कभी भी वहाँ जा सकते हो, वो यहाँ पे मुझे लगती है कि थोड़ी मिसिंग है, राइट? तो सब कुछ ईजी तो नहीं है। एंड दैट्स द रीजन वी नीड फ्रेंड्स। अगर आप जर्मनी जैसे कंट्री में रहते हो तो यू नीड दैट सोशल सर्कल जिसके साथ आप उठ बैठ सकते हो और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, लाइक वी आर डूइंग टुडे। बट थैंक यू। बट कहीं ना कहीं हम इंडिया को फील करते हैं और लाइक वहाँ का फूड जो है वो आप लोग बहुत मिस, सभी लोग मिस करते हैं, आई थिंक वो फील नहीं हो पाई। मैं एक चीज़ बता देती हूँ व्हाई शी इज टेलिंग दैट कि इंडिया का फूड बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एक तो पहली बात ये है कि ये बहुत रिसेंटली आई है, एक साल भी नहीं हुआ इसको आए हुए। द सेकेंड थिंग इज शी इज़ बींग इंदौरी, और इंदौरी जो लोग होते हैं उनका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है और उनको एक पर्टिकुलर टेस्ट चाहिए होता है जो ऑफकोर्स जर्मनी में मिसिंग है। सो आई हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग अबाउट जर्मनी, बट ये बताओ इंडिया को क्या, इंडिया में क्या मिस करते हैं? इंडिया में फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा आई थिंक बहुत ज़्यादा मैं मिस नहीं करता। फूड लोग कहते हैं बट आई थिंक हम भी थोड़े फूडी हैं, फ्रेंड्स भी आसपास में बहुत है, जैसे आप लोग भी हम लोग मिलते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, हमारे पेरेंट्स आते हैं तो घर में खाना बन जाता है वैसा कुछ, और हम भी कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, तो आई डोंट मिस फूड एट ऑल। फ्रेंड्स और फैमिली को मिस करते हैं। आई थिंक बिकॉज इनकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है इसलिए। एंड व्हाट यू मिस अबाउट इंडिया बिकॉज योर हस्बैंड, लाइक नीरज सेड दैट कि मैं ज़्यादा चीज़ें इंडिया के बारे में मिस नहीं करता, तुम क्या क्या मिस करती हो इंडिया के बारे में? मिस सिर्फ मैं ये मिस करती हूँ कि मेट सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। गुड यार, बहुत अच्छा है। कपल दे रियली लाइक जर्मनी, इनको मतलब इंडिया में मिस करने के लिए दो तीन चीज़ें हैं, सो दैट्स रियली गुड। थैंक यू चेतना। और सबसे ज़्यादा तुम इंडिया में क्या मिस करते हो? वर्स्ट पार्ट इज सारा काम खुद करना है, कचरा खुद फेंकना है, ये देखे रहना है कि हाँ ठीक है आपका घर का काम खुद करना है, बर्तन खुद लगाना है, धोना खुद है, पकाना खुद है, खाना खुद है, सब कुछ खुद करना है, ठीक है ना। यू आर ऑल बाय योर सेल्फ, देर इज़ नो मेड फैसिलिटी। आपको खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए कि आप जब आ रहे हो, स्टेप इन कर रहे हो जर्मनी में, तो आपको क्या करना है। तो तुम्हें किसने बताया रूल्स एंड रेगुलेशन? ऑफकोर्स जब हम आते हैं तो हमें इतना रूल्स के बारे में नहीं पता होता, तो हु हेल्प यू कि रूल्स ये हैं जर्मनी के, ये सब यू हैव टू कीप इन माइंड? बिकॉज ऑफकोर्स इंडिया में हमारी बहुत ही डिफरेंट आदत होती है और यहाँ आके वी आर एक्सट्रीमली डिफरेंट पर्सन, तो वो सब चीज़ें तुम्हें किसने हेल्प करी? मुझे काफ़ी हद तक वीडियोज, आपकी वीडियोस देख के मुझे काफ़ी नॉलेज मिल गया था उस टाइम पे। एंड सेकंड ऑलरेडी वाइफ यहाँ पे थी तो थोड़ा बहुत उसने मुझे गाइड कर दिया कि ये कर सकते हो, लेकिन जो मैंने खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम थिंकिंग व्हाट आई कैन डू डिफरेंट, लाइक क्या है मेरे लिए ऑप्शंस, बिकॉज मैं ऑलरेडी 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज इंटीग्रेशन चाहिए मुझे। सो आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ इन अर्गेंटोर वेबसाइट, जहाँ पे जो जॉब सेंटर है यहाँ का, वहाँ पे मैं गया, मैं अपने आप को रजिस्टर किया, उनसे बात किया कि हाँ मुझे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या मिल सकता है, मुझे आप क्या हेल्प कर सकते हो यहाँ पे। सो वो फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है कि वो 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं। और कुछ चीज़ मिस करती हो तुम यहाँ पर? और तो और कुछ नहीं, फैमिलीज फ्रेंड्स बस थोड़े वही बहुत है कि हम लोग मिस करते, बाकी इट्स ऑल सुपर्ब। और खासकर ऐसे पड़ोसी हो तो फिर बात ही क्या है, ये नीचे रहती है और हमारा बहुत 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 सपोर्ट करती है। गुड। सो ये था मेरे फ्रेंड्स का पॉइंट ऑफ व्यू कि बीइंग इंडियंस इन जर्मनी उन्हें कैसा लगता है। अगर आप भी जर्मनी में या अब्रॉड में कहीं रहते हैं तो आपको वहाँ रहकर कैसा फील होता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या इंडिया के बारे में आप मिस करते हैं, वो ज़रूर कमेंट करना। बाकी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा रियलिटी चेक हो जाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। बाय बाय।